पश्चिम बंगाल में चुनावी साल आने से पहले ही राजनीति दलों में चुनावी जंग तेज हो गई है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने फिर से ममता सरकार पर आक्रामक अंदाज में निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जय श्री राम बोलने से ममता दीदी को काफी दिक्कत होती है। इसके बाद उन्होंने सीएम को लेकर ऐसी टिप्पणी कर डाली जिसे लेकर बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब नेताओं की जुबान बदजुबान हो जाती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी नेताओं की जुबान इस कदर बेलगाम हो गई है कि वो सीएम ममता बनर्जी पर ही अभद्र टिप्पणी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। खुद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ममता को लेकर बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आखिर उनके खून में ऐसा क्या है कि वो जय श्री राम नहीं बोल सकती हैं? राम के देश में ही ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि बदला नहीं बदल दो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं की जान गंवाने का बदला लेंगे। बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो राम की धरती पर गलत व्यवहार क्यों कर रही हैं। दिलीप घोष पहले भी इस तरह के बयान देते आए हैं जिन पर विवाद होता रहा है। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि ममता राज में बंगाल में कई ग्रुप एक्टिव हो गए हैं जो पश्चिम बंगाल को वेस्ट बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब बंगाल में जय श्री राम के नारे पर बवाल हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की ओर से इस नारे को उछाला जा रहा था, तब भी ममता काफी खफा थी। उनका आरोप है कि बीजेपी ने इस नारे को राजनीतिक रूप दे दिया है। एक बार फिर टीएमसी ने घोष के बयान को लेकर बीजेपी को घेरा है। सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि बीजेपी को गलत बयानबाजी करने को लेकर घोष पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब टीएमसी तो बयान को लेकर बवाल मचा रही है जिससे बीजेपी बैकफुट पर है। अब देखना होगा कि वो बिगड़े बोल पर लगाम कैसे लगाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।